सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है अलाइक ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है। अलाइक ऑब्जेक्ट का मतलब सेम टू सेम, हूबहू। इससे पहले जो हमने परमुटेशन किया था एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, मैंने हाईलाइट किया था कि हमारे पास टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे, उनको एक रो में अरेंज करने का तरीका कितना होगा। अब यहाँ पे परमुटेशन का मतलब बेसिकली अरेंजमेंट ही है, अरेंजमेंट ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। अब सोचो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट्स तो होंगे लेकिन उसमें सारे के सारे डिफरेंट नहीं होंगे, कुछ एक जैसे होंगे, कुछ अलग जैसे होंगे, इसी टाइप का होगा, ठीक है। तो इनको अरेंज करने का कितना तरीका होगा एक रो में, तो इसको हम लोग एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल लिया, सोचो हमारे पास अगर ए बी सी डी ये चार अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। जब ये अरेंज होंगे तो बहुत सारे हमारे पास अरेंजमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए दूसरा एग्जांपल को सोचो, सोचो हमारे पास ऐसा है ए ए बी सी, अभी भी हमारे पास कितने हैं, यहाँ 4 ऑब्जेक्ट्स हैं ऑल डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे फिर से 4 ऑब्जेक्ट्स हैं 2 अलाइक प्लस 2 डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे 2 एक जैसे हैं, 2 अलग अलग हैं, ओके। अब इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, तो अगर हमने 4 फैक्टोरियल लिख दिया तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। कैसे होगा रॉन्ग, 2 सेकंड के लिए इसको सोचते हैं। सोचो हमने 1 सेकंड के लिए ये मान लिया ये जो 2A है ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब A1 है, A2 है, B है, C है। सोचो इन चारों को जब अरेंज करोगे तो हो सकता है एक अरेंजमेंट हमारे पास ऐसा आए A1 B A2 C, ठीक है। एक अरेंजमेंट ऐसा भी तो आ सकता है A2 B A1 C, ओके। सोचो फिर से एक और केस लिया, ऐसा भी तो अरेंजमेंट आ सकता है B C A1 A2, ऐसा भी आ सकता है B C A2 A1, ओके। इसी तरीके से ऐसा भी आ सकता है A1 A2 B C A2 A1 B C, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला लिखो या ये वाला लिखो, दोनों सेम होगा, क्यों, क्योंकि हमने नाम तो A1 A2 दिया है लेकिन है तो दोनों A ही, तो ये बेसिकली दिखेगा कैसा A B A C, और ये भी ऐसा ही दिखेगा A B A C, दोनों सेम है। लेकिन जब हम लोग 4 फैक्टोरियल करेंगे तो उसमें ये भी आ गया होगा, ये भी आ गया होगा। चलो सिमिलरली ये BC A1 A2 BC A2 A1 ये दोनों सेम ही है। सिमिलरली A1 A2 BC A2 A1 BC ये भी सेम है। ऐसे जितने भी केस आएंगे सब कितने बार रिपीट हो गए होंगे, 2 बार एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब हमारे पास जो आना चाहिए एक्चुअल आंसर वो कितना आना चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो है 4 फैक्टोरियल उसको डिवाइड कितना करना पड़ेगा 2। अब इसको इनडायरेक्टली ऐसे सोचो, डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, कितने बार कोई चीज़ एक्स्ट्रा काउंट होगा, तो मैं बोलूँगा हमारे पास कितने अलाइक ऑब्जेक्ट हैं, टोटल 2 अलाइक ऑब्जेक्ट हैं। ये दोनों एक दूसरे में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा 2 फैक्टोरियल वे से। इसका मतलब हर 2 फैक्टोरियल वे कितने बार काउंट हो गया होगा, 2 बार, या फिर हर एक केस कितने बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया होगा, 2 फैक्टोरियल टाइम्स, दिख रहा है। तो इसको बेसिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हमारा जो नंबर ऑफ वेज आएगा वो आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। जिसको भी इस एग्जांपल से समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3,
हमने क्या किया, ए ए ए बी, अभी ये रखा ठीक है, इनको अरेंज करने का कितना तरीका है। तो मैंने बोला मान लिया कुछ देर के लिए ए वन ए टू ए थ्री बी, जब इनको अरेंज करने जाओगे तो एक अरेंजमेंट तो यही आएगा ए वन ए टू ए थ्री बी, ऐसा भी आ सकता है ए वन ए थ्री ए टू बी, ऐसा भी आ सकता है ए टू ए थ्री ए वन बी, ओके ऐसा भी आ सकता है ए टू ए वन ए थ्री बी, फिर से ऐसा भी आ सकता है ए थ्री ए वन ए टू बी, ऐसा भी आ सकता है ए थ्री ए टू ए वन बी, ठीक है। तो ये कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः केस ऐसे आएंगे ठीक है। सिमिलरली हाँ ऐसा भी केस आएगा ए वन ए टू बी ए थ्री, फिर से ए टू ए वन बी ए थ्री, ऐसे करके आएगा ए थ्री ए वन बी ए टू ए थ्री ए वन ए थ्री बी ए टू। सिमिलरली ऐसा भी आएगा ए टू ए थ्री बी ए वन ए थ्री ए टू बी ए वन, ये भी टोटल छः केस आए ठीक है। और ये सारे केस कैसे हैं, सिंगल केस हैं, ये सारे केस कैसे हैं, सिंगल केस है ठीक है। इसका मतलब जो हमने वो फोर फैक्टोरियल लिखा उसमें ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं ठीक है। तो हमें डिवाइड किससे करना होगा इस बार, तो टोटल रिपीट कितने हो रहे हैं, हर केस कितने बार काउंट हो रहे हैं, छः बार, टोटल छः बार एक केस काउंट हो रहा है। तो एक्चुअल में मैंने वही बोला था कि जितने भी अलाइक ऑब्जेक्ट होंगे, ये तीन अलाइक ऑब्जेक्ट कितने तरीके से खुद में अरेंज हो सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल। तो देखो एक्चुअल में वही हो रहा है, ए वन ए टू ए थ्री कितने तरीके से खुद में अरेंज हो सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल, उतने वे क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं हर केस के लिए। सिमिलरली ए वन ए टू ए थ्री कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल, उतना केस एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है फोर वन केस। तो हमें क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ केस अगर सारे के सारे सेम होते तो फोर फैक्टोरियल होता, लेकिन उसमें तीन एक जैसे हैं इसलिए फोर फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल होंगे केस ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो एक और एग्जांपल है, उसका जवाब देना है। एग्जांपल फोर, मेरे पास है ए ए बी बी सी, इनको अरेंज करने का कितना तरीका होगा। तो मैं बोलूँगा अगर सब के सब अलग होते तो नंबर ऑफ वेज कितना आता, फाइव फैक्टोरियल, लेकिन दो ए एक जैसे हैं, ये दोनों खुद में कितने तरीके से अरेंज होंगे, टू फैक्टोरियल। दो बी एक जैसे हैं, ये दोनों खुद में कितने तरीके से अरेंज होंगे, टू फैक्टोरियल। तो एक टू फैक्टोरियल ए के लिए, एक टू फैक्टोरियल बी के लिए, कितना आ जाएगा, फाइव फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। ऐसे ही चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा हो ए ए ए बी बी सी सी ऐसा ठीक है, टोटल कितने हैं, सेवन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आते सेवन फैक्टोरियल, लेकिन तीन ए था थ्री फैक्टोरियल, दो बी था दो फैक्टोरियल, तीन दो सी था दो फैक्टोरियल, इतने नंबर ऑफ एक्चुअल वेज होंगे अरेंजमेंट का इनका ठीक है ओके। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं और कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। सो द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज कि लेट n ऑब्जेक्ट्स आर गिवन आउट ऑफ विच n1 आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप वन ठीक है, n1 नंबर्स जो हैं एक जैसे हैं, n2 आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप टू ठीक है। सिमिलरली एन थ्री आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप थ्री, ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, एन के आर आइडेंटिकल ऑफ टाइप के ठीक है, एंड रेस्ट All are different, ठीक है?
तो क्या बोला, हमारे पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें एन वन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, एन टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, एन थ्री नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, ऐसे डॉट 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 एन के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, और बाकी के जितने बचे सब अलग अलग हैं। तो नंबर ऑफ वेज जो होगा, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स या फिर परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट अ टाइम विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ऊपर होगा टोटल सब अलग अलग होते तो एन फैक्टोरियल, एन वन एक जैसे हैं इसलिए एन वन फैक्टोरियल से डिवाइड किया, एन टू एक जैसे हैं इसलिए एन टू फैक्टोरियल से डिवाइड किया, ऐसे ही एन के एक जैसे हैं इसलिए एन के फैक्टोरियल से डिवाइड किया, बस इसको, और बाकी रेस्ट अलग अलग है तो उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आंसर, इसको और भी जनरलाइज कर दिया, एन थ्री फैक्टोरियल डॉट 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 मल्टीप्लाई किया गया सब एन के फैक्टोरियल का। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस पे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया, क्वेश्चन बेसिक सा किया, क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज फाइव एप्पल्स एंड थ्री ऑरेंजेस ऑन ए टेबल इन ए रो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा हमारे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं, फाइव एप्पल्स हैं, थ्री ऑरेंजेज हैं, टोटल एट फ्रूट्स हैं। उनको अरेंज करने का तरीका कितना होता है, एट फैक्टोरियल, लेकिन पांच एप्पल एक ही जैसे हैं इसलिए फाइव फैक्टोरियल से डिवाइड, थ्री ऑरेंज एक जैसे हैं इसलिए थ्री फैक्टोरियल से डिवाइड। तो हमारा आंसर हो गया एट फैक्टोरियल डिवाइड बाई फाइव फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलो एक और क्वेश्चन कर लिया इस पे, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू है कि फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स डैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिफिकल्ट ठीक है, एक वर्ड है डिफ़िकल्ट, उसके लेटर को यूज़ करके और अरेंज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो मैंने बोला पहले कितने लेटर हैं ये, एक दो तीन चार, डी आई एफ आई डबल एफ आई सी यू एल टी, ठीक है। टोटल कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन लेटर्स हैं। इनको अरेंज करते तो हमारा आंसर कितना आता, नाइन फैक्टोरियल, लेकिन इसमें दो आई एक जैसा इसलिए टू फैक्टोरियल से डिवाइड, दो एफ एक जैसा इसलिए टू फैक्टोरियल से डिवाइड। तो ये हमारा, बाकी सारे अलग अलग हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर, नाइन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ठीक है।